समस्त ब्रह्मचारी अपने पिता से मिलने वैकुंठ पहुंचे। दरवाजे पर खड़े जय और विजय द्वारपाल ने ब्राह्मणों को रोक लिया। जब ब्राह्मणों को रोका तो ब्राह्मणों ने कहा, न गदम न वेदो गृहा मम, ये हमारा घर है, तुम कौन हो रोकने वाले? पहचान नहीं थी ना, मानस पुत्र थे ना। और जो भगवान का असली पुत्र बन जाता है भक्ति करके, वो भगवान के घर कभी भी जावे कभी भी आवे, अपनी जगह पर वो सही है। पर द्वार पर जो चौकीदार खड़ा है वो भी अपनी जगह पर सही है, उसे भी बिना मालिक की आज्ञा के किसी को अंदर नहीं भेजना चाहिए। क्यों? आपको मालूम ही है, शिव कथा में आपने सुना, गणेश जी दरवाजे पे खड़े, ये पार्वती माता के जब तक माँ आज्ञा ना करे तब तक नहीं जाने दिया शंकर को, तो मर्दन गर्दन कटवानी पड़ी। आज ऐसा ही जय और विजय का हुआ। कभी कभी कोई महारथी, कोई महाज्ञानी, कोई महाभक्त, कोई परम हितेशी दरवाजे पे आ जावे तो आप उसका सम्मान आतिथ्य करो, उसे कहीं बिठाओ, प्यार करो, और वो जिद करे मिलने की तो आप जल्दी से संदेश भेजो, पर आप उसकी बातों में मत अटको, आप जल्दी से जाओ। एक उसे अटका के रखो, दूसरा चले जाओ, और अकेले ही हो तो एक मिनट का कहो, अरे जय विजय ने ये कहा ही नहीं, जब तक अंदर से नहीं आज्ञा आएगी तब तक तुम्हें यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, अंदर जाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम भगवान की आज्ञा पाते, भगवान का तनख्वाह पगार पाते, दक्षिणा पाते, भगवान का भोजन पाते, भगवान की आज्ञा तोड़ के नमक हराम नहीं बनेंगे। द्वारपाल एकदम सही है महाराज, पर सनत कुमार भी गलत नहीं है। अरे मालिक को घर में जाने से नौकर कैसे रोक सकते महाराज? पर पहचान नहीं होने की वजह से सब गड़बड़। इसीलिए प्रभावम दर्शनम, जिंदगी में याद रखो, जब भी कभी ड्यूटी बदलो, जब भी कभी सेवा करो, गुरु की करो, भगवान की करो, जहां भी सेवा करो, तो पहले सेवा करने से पहले वहां पूरी लिस्ट ले लो कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आने जाने वालों का कोई पता नहीं रहता, कभी भी आता कभी भी जाता, पर कौन ऐसा है जो बिना आज्ञा के भी अंदर आ सकता है? इसीलिए गुरुदेव हमें पहले ही बता दो कि हम आपके पास में किसको बिना बताए भेज देवे, ऐसा आज्ञा ऐसा ज्ञान लेकर चौकीदारी सेवा करें तो कभी गलत नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा, कोई नाराज होकर तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, भला नहीं कहेगा। एक ही तरफ की आज्ञा नहीं मानने का। अगर तुम्हारे देवता ने कहा कि मेरे सिवाय, मेरी आज्ञा के सिवाय किसी को घुसने मत देना, तो आप मानो, पर उनसे लिस्ट भी ले लो। आज लिस्ट नहीं जय विजय के पास में। सनत कुमार को जाने नहीं दिया, तपस्वी ब्राह्मण क्रोध में आ गए। और याद रखना, नारद से भी महान है सनत कुमार। नारद को जब अशांति ने घेरा है भागवत में, तो सनत कुमारों ने ही शांति का मार्ग दिखाया है। नारद ने सारी दुनिया को शांति दिखाई, पर नारद और ब्रह्मा, भक्ति और ज्ञान और विवेक, इन सात लोगों को सनत कुमारों ने शांति दिखाई, ज्ञान दिखाया, विवेक दिखाया। इतने महान है ब्रह्मचारी बालक। और आज ब्रह्मचारी बालकों का थोड़ा अपमान सा महसूस हुआ, मन में लगता है हम भी तो भक्त ही हैं ना भगवान के, हमें क्यों रोका जा रहा है, हम इतना करते हैं। मन में आया तो भगवान के जाने की जिद तो नहीं की, पर सनत कुमारों ने जय और विजय नाम के पार्षदों को श्राप दे दिया। तो या अधोगति पुण्यम दैत्यम पुण्यो प्रजन्मः, हे मूर्खो, आज तुमने ब्राह्मणों का अर्थात तुमने ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानियों का, तुमने परमात्मा विष्णु के भक्तों का अपमान किया है, तुमने रास्ता रोका है, इसलिए तुम्हें आज के बाद कभी भी भगवान नारायण की सेवा का मौका नहीं मिलेगा और भगवान का नाम लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा। आज के बाद तुम भगवान के दुश्मन बन जाओगे, तुम्हें अधोगति में, तुम्हें दैत्य जाति में जन्म लेना पड़ेगा, ये हमारा श्राप है। भगवान विष्णु लक्ष्मी दरवाजे पर दौड़ के आए, अचानक क्या हो गया, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? इतना कहकर के देखा कि जय और विजय परेशान हैं, सनत कुमारों ने श्राप दे दिया है। उसी समय भगवान विष्णु ने जय विजय को समझाया, कहा तुम तो शूद्र हो, मेरी सेवा करते हो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वचन मैंने झूठा कर दिया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसीलिए सारी सृष्टि ब्राह्मण की वजह से टिकी है, इसीलिए ब्रह्मम जनार्दनम व्याप्तम व्याप्तम ब्रह्म योगिनम,
ब्रह्मचर्य और ब्राह्मण वेद पाठ ज्ञान ब्रह्मचरण ये सारी चीजें दुनिया को बचा रही है महाराज, इनकी वजह से सृष्टि बची है, नहीं तो सब कब की चली जाती। क्यों? ये सारी दुनिया तो एक ही तरफ भाग रही है, एक ही तरफ भाग रही है, एक ही तरफ भाग रही है। और जब सारे लोग एक ही तरफ भागेंगे तो नाव का एक हिस्सा डूब जाएगा तो कैसे बचेंगे बताओ? धरती का एक हिस्सा नहीं डूबना चाहिए, इसलिए चतुर्भुजी धरती को सत्संग आदि वेद शास्त्र के ब्राह्मण के ज्ञान से ही बचाया जा सकता है। जब तक ब्राह्मण कृपा ना करे तब तक सृष्टि बचेगी नहीं, दृष्टि बचेगी नहीं, विचार बचेंगे नहीं महाराज। पहला जन्म हुआ जय और विजय का, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप 12 है और नरसिंह भगवान अवतार लेकर आए विष्णु। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का हुआ तो भगवान का जन्म लेने का, श्री राम बनने का यह भी एक कारण है। द्वया कारणम लब्धे तत्पुरुषाय धीमहि। आज वो परम पुरुष विष्णु पुत्र बनकर अवधपुरी में प्रकट होगा, अनेका अनेक कारण है। भगवती पार्वती, पार्वती कारणों को सुन के भगवान के जन्म को जानना चाहती है। तो मेरी बहनों और बंधुओं, अब मैं प्रभु श्री राम के जन्म की कथा को बढ़ाता हूं। राम पैदा कैसे हुए, अनेक अनेक कारण आपने सुने, अब कारण सुनिए। राजा दशरथ ने पुत्र की कामना में पूरी उम्र लगा दी। गुरु वशिष्ठ को ज्ञान लेकर बड़े बड़े यज्ञ दान और तप किए, फिर भी पुत्र लाभ नहीं हो रहा है। तो राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए सुमित्रा नाम की स्त्री के साथ में मैत्री कर ली। सुमित्रा भी पत्नी बनकर आई तो भी पुत्र लाभ नहीं मिला। राजा दशरथ काश्मीर में युद्ध के लिए गए। वहां पर युद्ध के क्षेत्र में राजा का युद्ध करते करते रथ का पहिया निकला तो केकसी नाम की कन्या ने रथ के पहिए में अपनी उंगली लगाकर रथ को बहुत दूर तक चलाया, राजा की रक्षा की। इसीलिए राजा दशरथ ने केकसी नाम की सुंदर कन्या को भी अपनी पत्नी बनाया, बाद में वो केकई बन गई। तीन तीन पत्नियां होकर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही राजा को। राजा की उम्र बड़ी चढ़ती चली गई, 50 वर्ष को भी पूर्व, 50 वर्ष को की पार कर गई है। राजा हो तो वानप्रस्थ ही गए, बन जाना चाहिए संसार छोड़कर, पर जाने के लिए गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव हमें केवल एक ध्यान दो कि इस उम्र में हमें गृहस्थ चाहिए कि नहीं। वशिष्ठ मुनि जानते थे राजा क्यों पूछ रहे हैं। वशिष्ठ मुनि को मालूम था कि ये रघुवंश है, यहां कोई अत्याचार अन्याय अविचार नहीं करता। पुत्र नहीं हुआ है तो राजा दशरथ पुत्र की कामना छोड़कर बन जाएंगे, और जैसे सब राजा गए, दादा बाबा गए, वैसे ये भी तप करेंगे। रघुवंश की परंपरा है, रघुवंश में जितने राजा हुए ना, उन्होंने 51 वर्ष में ही राजगद्दी त्याग कर संन्यास लेकर ध्यान और भजन किया है महाराज। इसलिए रघुवंश को सबसे महान माना गया है। आई खड़वांग इक्ष्वाकु वंश है, ये मनु का वंश है रघुवंश। याद रखें, वशिष्ठ मुनि ने कहा एक चांस ले लो, अगर नहीं लाभ मिला तो तुम ध्यान समाधि में जाना, कल्याण करना अपने जीवन का। वशिष्ठ मुनि ने अगस्त मुनि को न्योता दिया, श्रृंगी ऋषि को न्योता दिया। ये तीन महाशक्ति राजा दशरथ के महल में आई और इन तीनों देवताओं ने, तीनों ज्ञानी वैज्ञानिकों ने मिलकर राजा के यहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रसाद को राजा दशरथ के हाथों में दिया और कहा, तदभित्राणाम दर्शनम यज्ञो प्रसादो स्त्रीणाम। हे राजा दशरथ, जाइए और जाकर यज्ञ के प्रसाद को अपनी पत्नियों को भोग दीजिए। प्रसवान रजस्वलान धर्मम, भगवान की लीला हो रही है महाराज। तीनों की तीनों स्त्रियां रज धर्म में थीं। यज्ञ पूरा हुआ, प्रसाद राजा ने दिया कौशल्या को, सुमित्रा और केकई को। तो यहां पर देखिए तीनों ऋषि काम कर रहे हैं महाराज, एक उद्गाता ऋषि, एक ब्रह्म ऋषि और एक पुरोहित ऋषि। इसीलिए पूजा पाठ में बड़े नियम हैं। याद रखें,
उद्गाता मौन मंत्र जाप करता है माला से, पुरोहित मंत्र जाप करके विधि करवाता यजमान से, और ब्रह्म निरीक्षण करता है कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, तब जाकर यज्ञ की लाइन लगती है। अभी दो ब्राह्मण और बाकी हैं, पर यहां पांच नहीं, तीन की व्याख्या है। यज्ञ में पांच ब्राह्मण कंपलसरी होने चाहिए, एक अधर्यु व्यवस्था देखने वाला, कोई कीड़ा तो ना चला जावे यज्ञ में, मूंगी चींटी ना आ जावे, घी की मात्रा कम ज्यादा तो नहीं हो रही, अधर्यु बोलते इसको। और एक रिजर्व ब्राह्मण, पूजा करते करते किसी ब्राह्मण को अटैक आ जाए तो पूजा नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए एक ब्राह्मण रिजर्व कोटा। पांच ब्राह्मणों का खाता है पूजा में महाराज। पंच ब्राह्मणम पंच तत्वम पंचमृतम पंच प्राणम पंचभूतम, पांच प्राण पांच ब्राह्मण, परमानंदम यज्ञो भूतानम, पांच ही तो यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलवैश यज्ञ, पांच यज्ञ प्रमुख है मनुष्य को करने के लायक। उसके अलावा विशेष यज्ञ अलग हैं, राजसु यज्ञ, काम यज्ञ, धेनु यज्ञ, काम धेनु यज्ञ, गौ वेद यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ, ये विशेष यज्ञ हैं, इनको रोज नहीं करना चाहिए। यदा भूतेन दर्शनम, जब कोई काम न बनता हो तब ये विशेष अनुष्ठान करने चाहिए। और कोई काम कभी न बिगड़े उसके लिए पांच यज्ञ रोज करने चाहिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। एक अच्छे साधु को भोजन रोज करावे, अतिथि यज्ञ हो गया। बूढ़े माता पिता को गर्म पानी से स्नान करवावे, दर्द हो रहा तो तेल लगावे, ज्यादा दुख रहा तो औषधि खिलावे, नींद नहीं आ रही तो बालों को सहलावे, ये पितृ यज्ञ हो गया। बच्चे को नींद नहीं आ रही तो मम्मी कितनी देर तलवा सहलाती है, बाल सहलाती है, खुजली करती रहती है, ऐसे बूढ़ी सास को नींद ना आवे तो बहू को भी सहलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे और बूढ़े में बिल्कुल अंतर रहता नहीं है, बच्चा भी बूढ़ा, बूढ़ा भी बच्चा, इसीलिए तो घटपट रहती है घर में बच्चे। पितृ यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ गुरु मंत्र का जाप करें, देव यज्ञ अग्नि जलाकर आहुति देवे, और बलवैश्य देव यज्ञ कौवा चींटी और गाय को भोजन करावे। ये पांच यज्ञ घर में हो गए तो जीवन में कभी कोई घाटा नुकसान होने वाला नहीं, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सवाल ही उठता नहीं मारे। चालू रखो, इन पांचों को करने से बुद्धि और ध्यान मन चित्त एक हो जाते हैं, फिर काम नहीं बिगड़ता, क्योंकि काम हम ही बिगाड़ते, हम ही बनाते हैं। परमात्मा हमारी ऊर्जा है, उसका ध्यान भजन करते हुए देवताओं की संरचना करें। आज यज्ञ संपन्न हुआ, प्रसाद देवियों को दिया गया, तीनों देवियां प्रसाद ले रही हैं। केकई माता को प्रसाद का खाते ध्यान आया अंजनी माता का, अंजनी माता और केकई माता का रिश्ता है, बाप दादा के जमाने का रिश्ता। अंजनी को भी बच्चा नहीं था ना, तो केकई ने सोचा मेरी सखी को नहीं है, मुझे नहीं है, जब ये प्रसाद मुझे बेटा दे सकता है तो मेरी बेटी सखी को भी दे सकता है, तो उसमें से थोड़ा सा प्रसाद एक चील के मुख में डाल के अंजनी के पास भेज दिया, और उसी प्रसाद से अंजनी माता भी गर्भवती हो गई, केकई भी गर्भवती हो गई, और कौशल्या भी हो गई, सुमित्रा भी हो गई। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिसने परमार्थ किया उसे ही बड़ा फल प्राप्त हुआ। अंजनी भी राजा दशरथ के प्रसाद में अंजनी शामिल हो गई। अब अंजनी के पेट से कौन हुआ वो तो मालूम ही आपको, इसीलिए हनुमान को भी भाई बोलते हैं, राम जी का सेवक भी बोलते हैं और भाई बोलते हैं। क्यों? केकई के प्रसाद से पैदा हुआ ना हनुमान, इसीलिए छोटा भाई है राम जी, और इसीलिए वो सेवक, क्योंकि बड़ा भाई छोटे का सेवक कैसे बन सकता। इसीलिए एक एक कथा का दर्शन मैंने आपको करवाया। राजा दशरथ के घर में तीनों स्त्रियां गर्भवती हुई, अपने अपने तरीके से गर्भ संस्कार किए गए, उपनयन संस्कार हुआ, सीमंत संस्कार हुआ, उसके बाद गर्भ आदान के बाद में जातिकर्म संस्कार हुआ। कौशल्या अपने महल में बैठकर ज्यादा उम्र वाली है, इसीलिए बच्चे को और पेट को लेके थोड़ा अस्वस्थ रहती है, और सुमित्रा का भाव है कि मेरे पेट में जो भी बालक हो वो सुमित्रा के बच्चे का ही दास बनना चाहिए,
सुमित्रा के बच्चे का ही सेवक बनना चाहिए, सुमित्रा अपने बच्चे को कौशल्या के बच्चे का सेवक बनाना चाहती है, इसीलिए सुमित्रा कौशल्या की सेवा करती है। माँ गर्भवती होकर जैसे काम करती बच्चे के अंदर वैसे ही काम आ जाते। सुमित्रा सेवा कर रही है तो अंदर पेट में जो है वो सेवक बन रहा है, और केकई केकई सेवा करती नहीं और सोचती भी नहीं। तो केकई के जो पुत्र हैं वो धर्मात्मा तो बहुत होते हैं, संत महंत बनते हैं, पर राम की सेवा का अवसर उनको प्राप्त होता। हाँ, इसीलिए सभी माताओं को रामायण का संदेश ऐसा है कि गर्भवती होने के बाद में तो जरूर जरूर सास के पैर दबाने चाहिए। गर्भवती महिला को जरूर सेवा करनी चाहिए सास ससुर की। हाँ, दादी सास की तो पक्की सेवा करो, पैर दबाओ जिससे वो पेट में सीख जावे पैर दबाना। आगे तुम भी तो दादी बनोगी कि नहीं, तुम्हारे टसक मारेंगी पैरों में, धड़कन बढ़ेगी तो कौन दबावे। तो गला दबाने वाला पैर दबाने वाला हो जाए उसके लिए सास के दबाते रहो पैर। अरे घी के लड्डू कौन बनाता, सच बता, घी के लड्डू तुम अपने आप ही बना लेती कि सास बना के देवे सास। तो घी के लड्डू जो पहलवानी करा रही है थोड़ा बहुत उसका भी ध्यान तो रखो। हैं, बोलिए ना, सेवा करे सास, गर्भवती बहू के पेटीकोट को भी धोवे सास। तुझसे ना होगा, तू बैठ जा, अब तू नहीं कर सकती है, और बाद में बहू आंख निकाले तो कैसे काम चलेगा, नरक में जाएगी बहू, कीड़े खाएंगे, सांप डसेंगे नरक में जाके। भगवान गरम गरम लोहे की सीखों से जलाएगा। इसीलिए जो हमें सेवा दे रहे सुख दे रहे उनको कभी तकलीफ नहीं, उन्हें जो भी रिटर्न करना है, अदान सेवान भूतानाम दर्शनम, उन्हें सेवा का फल दो, सुख का फल दो, आनंद का फल दो, उनकी सेवा करो। अरे बूढ़ों की सेवा करने से गर्भवती को दो फायदे होते हैं, एक तो साथ धन्यवाद देती है और साथ में बच्चा फ्री में अच्छा पैदा हो जाता है, सेवक पैदा हो जाता है, सदाचारी पैदा हो जाता है, कल्याणकारी पैदा हो जाता है। बच्चा थोड़ी पैर दबा रहा है, वो सीख गया पर माँ के साथ साथ रह करके। ऐसे ही आप हमेशा वही करो, आज सुमित्रा कौशल्या की सेवा करती है तो उसके पेट में राम का सेवक पैदा होने वाला है, और कौशल्या राम की भगवान का ध्यान करती है इसीलिए उसका पेट का बच्चा भगवान ही पैदा होने वाला है। जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसा चरित्र, गर्भवती महिला जैसे चरित्र को निखारती पखारती वैसे ही बच्चों के ऊपर श्रृंगार और संस्कार पड़ते हैं। आज भगवान के घर में देखो जन्म का समय हुआ, नौवां मास आया, चैत्र का महीना लगा, प्रथमा तिथि आई, भगवान के पास में गई है, नारायण मेरा भला कर दो। हाँ, प्रथमा तिथि का भला कर दो। भगवान ने कहा ना, तुम्हारा नहीं करेंगे, तो किसका भला करेंगे बताइए ना। अच्छा बताओ, सौ तक की गिनती में, सौ तक की गिनती, सौ शतक की गिनती में सबसे छोटा अंक कौन सा रहता है, शतक की गिनती में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, दोनों एक ही है, हैं? सौ की गिनती में सबसे बड़ा अंक, अरे रे रे रे, सौ की गिनती में सबसे बड़ा अंक नहीं समझेंगे क्या, सौ कब लिखेंगे, एक और जीरो जीरो, तो एक तो बड़ा अंक हो नहीं सकता ना, तो बताओ ना सौ की गिनती में सबसे बड़ा अंक कौन सा रहता है, 99 और सबसे छोटा अंक कौन सा रहता है, 9। तो राम जी ने कौन से में लिया अवतार, क्यों, क्योंकि जैसे नौवीं तिथि जाएगी फिर से एक नंबर आ जाएगा, 9 के बाद, हाँ 9 के बाद 10 आता है ना, 10 में एक आता है, तो भगवान ने कहा घुमा फिरा कर गड़बड़, इसीलिए परमात्मा ने 9 के अंक को पूरा किया, नवग्रह पूरे कर दिए। प्रभु ने कहा कि 9 में जाऊंगा तो सब ग्रह आ जाएंगे वहां पर, और एक में गया तो एक ही ग्रह रहेगा, नवद्वारम देवानम, तो नवद्वारा शरीर में कितने द्वार हैं, 9। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं तो उसी में जाऊंगा जिसमें 9 दरवाजे होंगे। तो नौवीं तिथि में भगवान का प्राकट्य, कब, मध्यान गते दर्शन, सूर्य वंश में राम जी पैदा हुए, सूर्य वंश, राम जी को पैदा करने का सूर्य वंश। सारे देवता अवधपुरी में पहुंच गए,
चंद्रमा भी आया, सूर्य ने धक्का मार के